जयो स्तुते जयो स्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे। बच्चों, यह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ गीत किसने लिखा है आपको पता है? यह गीत हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है। 1858 के पहले की बात है। हमारा भारत देश समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इसी सोने की चिड़िया पर अत्याचारी, क्रूर, हिंसावादी अंग्रेजों की नजर पड़ गई। 1858 में भारत में व्यापार के उद्दिष्ट से आए अंग्रेजों ने हमारे सोने की चिड़िया यानी भारत को जंजीरों में जकड़ दिया और हमें गुलाम बना दिया। उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला पक्षी अब अंग्रेजों की जंजीरों में तड़पने लगा। अंग्रेजों की क्रूरता से आहत होकर भारत माँ ने अपने वीर पुत्रों को आवाज दी और इसी से जन्म हुआ स्वतंत्रता सेनानियों का, और उसी में से एक थे वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ। वह बचपन से ही होशियार, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। साफेकर भाइयों ने जब अन्यायी अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि रेंड और आइस्टर का वध किया, तब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस समाचार से सावरकर जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने आराध्य के सामने कसम ली कि जब तक भारत माता को स्वतंत्र नहीं करूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अपने अंतिम श्वास तक मातृभूमि के लिए लड़ते रहूंगा। यह प्रण उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही लिया था और उसे अपने अंतिम श्वास तक निभाया। उन्होंने देशभक्ति से भरे पौवाड़े, कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उनकी कविताएं इतनी स्फूर्तिदायक होती थी कि वह उस समय के नौजवानों को बहुत प्रेरित करती थी। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की संस्था भी स्थापन की। उन्होंने अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसमें उन्हें बहुत प्रतिसाद मिला। बीए की पढ़ाई होने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन इसमें भी देश का हित छुपा था। वहां से वह भारत के क्रांतिकारियों को बंदूकें उपलब्ध कराने लगे। यह काम वह छुपते छुपाते बड़ी बड़ी पुस्तकों के पन्ने बंदूक की आकार से काटकर उसमें छिपाए भेजते थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहकर बाकी के साथियों के साथ मातृभूमि को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने के लिए योजना बनाते रहे। इसमें भाई परमानंद, लाला हरदयाल, वी.वी.एस. अय्यर, मदनलाल डिंगरा, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा आदि शामिल थे। 1 जुलाई 1909 में मदनलाल धिंगरा ने क्रूर अंग्रेजी अधिकारी कर्जन वाइली का वध किया। इसके लिए मदनलाल को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे उकसाने के इल्जाम में सावरकर जी को बंदी किया गया। जब उन्हें अंग्रेजी सैनिक जहाज से ले जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अंग्रेजी सैनिकों ने पकड़ लिया। मुकदमा चला और उन्हें 50 वर्ष की काले पाने की सजा हुई। बच्चों, यहाँ लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हो, घर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हो, लेकिन सोचो, यहाँ तो हमारे सावरकर जी को 50 सालों की काले पाने की सजा हुई थी। जब उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में काले पानी की सजा भोगने के लिए ले जाया गया, तब वहाँ के एक अधिकारी ने कहा, हे भगवान, 50 साल की सजा? तब सावरकर ने धैर्यपूर्वक कहा, क्या यहाँ भारत में अंग्रेज सरकार 50 सालों तक टिक पाएगी? कितना आत्मविश्वास था उनकी बातों में।
यहाँ जेल में सावरकर जी पर बहुत शारीरिक और मानसिक अत्याचार होने लगे। उन्हें छोटी सी कोठरी में रखा गया। जेल में सावरकर के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ जकड़ी रहती थी। नारियल हाथों से छीलने पड़ते थे। यह करते वक्त उनके हाथ लहूलुहान हो जाते थे। बाद में उन्हें कोलू में बैल की तरह जूत कर उसी छिले नारियल से तेल निकालना पड़ता था। रुकने पर बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। सिर्फ जीने के लिए खाना दिया जाता था और वह भी खराब होता था। यहाँ कैदियों के लिए भी उन्होंने भूख हड़ताल की और उन्हें न्याय भी दिलवाया। सावरकर जी एक साहित्यिक थे, लेकिन उस छोटी सी कोठरी में उनके पास न तो पेन था और न ही कागज, तो उन्होंने कोठरी की दीवार को ही अपना कागज बनाकर उस पर छोटे पत्थर के सहारे लिखना शुरू कर दिया और यहीं पर कमला और गोमंतक इन काव्य का जन्म हुआ। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया, तब भी वह रुके नहीं, जाति भेद और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ते रहे। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई और सावरकर का स्वतंत्र भारत का सपना पूर्ण हो गया। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुई। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और वह हमारा अधिकार भी है। इसीलिए सावरकर का मन चीख चीख कर कह रहा था, हमें न बांधो प्राचीरों में।